सिम्फर में वर्षों से कार्यरत 169 कैजुअल वर्कर चिन्हित कर्मचारियों पर जबरन ठेका कंपनी के माध्यम से काम करने को लेकर अधिकारियों द्वारा बनाए जा रहे दबाव से आहत कर्मचारियों ने सिम्फर गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया। नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। धरना पर बैठे कर्मचारियों की माने तो विगत 30 वर्षों से वहां काम कर रहे हैं। सांसद भारत सरकार की अनुशंसा पर 31 दिसंबर 2004 तक सिम्फर के पूर्व प्रबंधन के द्वारा सभी कैजुअल वर्करों को नियमितीकरण के लिए चिन्हित करते हुए चिन्हित कर्मचारियों को दर्जा दिया गया था, जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। पर सिम्फर के नए प्रबंधन द्वारा इन सभी को दरकिनार करते हुए ठेका कंपनी के माध्यम से काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है, जिसको लेकर केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मजदूर यूनियन के बैनर तले अपने हक की लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती धरना जारी रहेगा। विगत 25 से 30 वर्ष से हम लोग इस इंस्टीट्यूट सिम्फर में काम कर रहे हैं और CSIR के गाइडलाइन के थ्रू हम लोगों को चिन्हित कर्मचारी का दर्जा दिया गया। और ये जो बैठक हुई थी डीजी साहब, जो भूतपूर्व डीजी थे समीर कुमार ब्रह्मचारी, वो 15/7/2008 को एक बैठक किए थे और उसमें बोले थे कि 31/12/2004 तक जितने भी वर्कर हमारे काम कर रहे हैं उनको हम अपना आइडेंटिफाइड कैजुअल वर्कर मानते हैं और इसके तहत ये लोगों को हम जो है मतलब पूरा मेडिकल पूरे परिवार के साथ में दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों को आई कार्ड और बच्चा लोगों को पढ़ाने के लिए DW स्कूल में प्रोविजन, रजिस्टर में साइन करने का अथॉरिटी, ये सारी चीज़ हम लोगों को दिया गया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और हम लोगों को जो है रेगुलर करने के लिए मतलब जो है बात भी चल रही थी। इसके लिए हम लोगों का एक मुकदमा CGIT में चल भी रहा है। यहाँ के जो मैनेजमेंट हैं हम लोगों को बोल दिए हैं कि वर्बली मौखिक रूप से कि आप लोगों को आइडेंटिफाइड वर्कर हम नहीं मानते हैं और आप लोगों को जो है अब हम JM के माध्यम से पेमेंट करवाएंगे। और शिवा प्रोटेक्शन लिमिटेड जो रांची हिनो के रहने वाले हैं वो जो है फॉर्मेट लेकर के आए हुए हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि आप लोग को तभी हम जाने के लिए देंगे जब आप लोग इस फॉर्मेट पे साइन कीजिएगा। बहरहाल हम लोग को यही कहना है, मैनेजमेंट से हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि जब तक हमारा मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, CGIT में चल रहा है, तब तक आप लोग सर पेशेंस बनाए रखिए। हम लोग भी वेट कर रहे हैं। मामला जो भी उच्च न्यायालय से या CGIT से जो आएगी, कोर्ट का जो मामला है वो सर्वमान्य होगा। तब तक के लिए जिस तरह से हम लोगों का पेमेंट आप करवाते हैं उसी तरह से पेमेंट करवाइए। और इसीलिए जो है सर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग जो है इनके जितने भी मतलब लाइव है ना, सब हम लोग जो है मतलब आज 25 से 30 बार से खून पसीना बहा करके एकदम एकजुट होकर के हम लोग इंस्टीट्यूट को मतलब आगे बढ़ाने में सर रात दिन एक कर दिए हैं। तो मुख्य मांग यही है कि हम लोग एजेंसी के तहत काम नहीं करेंगे।